free editing tips for YouTuber in Kind Master Part 2. So without wasting any time, let's start. तो सबसे पहला टिप्स का है कॉल आउट एनिमेशन। सबसे पहले काइंड मास्टर में आपको व्हाइट कलर का बैकग्राउंड ऐड करना है, फिर आपको कलर में जाकर चेंज करके ग्रीन कलर का कर लेना है। तो आप टाइमलाइन को इस तरह से कुछ बड़ा कर लीजिए, फिर आपको लेयर्स में जाकर इस पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप कलर को आपको व्हाइट कलर का कलर कर लेना है, और मैं जिस तरह से शेप बना रहा हूँ उस तरह से शेप बनाना है आपको। फिर कंप्लीट हो जाने के बाद राइट पे क्लिक करना है, फिर से लेयर्स में जाकर पेंसिल पर क्लिक करके फिर आपको लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लीजिए, और फिर से पेंसिल पर क्लिक करके आपको तो कुछ राउंड बना लेना है, इस तरह से राउंड शेप वाला बना लेना है। अब राइट पे क्लिक कर लीजिए, फिर आपने जो सर्कल ड्रॉ किया था उसे सिलेक्ट करके कुछ यहाँ पर लेके आए जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ। आप मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही आप करते जाइए। फिर तीनों शेप को आपको इन एनिमेशन देना है। तो सर्कल को सबसे पहले आपको फेड वाला इन एनिमेशन देना है, फिर लाइन को आपको इन एनिमेशन ड्रॉ बाय स्ट्रोक या फिर ड्रॉ इन ऑर्डर, ये दोनों में से कोई भी दे सकते हो, दोनों ही सेम ही है। फिर लाइन की तरह आपको रेक्टेंगल को भी ड्रॉ बाय स्ट्रोक या फिर ड्रॉ इन ऑर्डर भी दे सकते हो। फिर तीनों चीज को आपको आउट एनिमेशन देना है, तो आउट एनिमेशन में भी तीनों के तीनों को आपको इरेज बाय स्ट्रोक दे दीजिए। अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है, तो कुछ इस तरह से आपको एनिमेशन देखने को मिलेगा। फिर किसी भी वीडियो को आप काइंड मास्टर पर ऐड कर लीजिए, फिर लेयर्स में जाकर आप जो आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया था काइंड मास्टर वो वीडियो को आपको लेके आना है। फिर वीडियो में आपको जो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर अनेबल का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए। फिर आपको वीडियो का ग्रीन स्क्रीन हट चुका होगा, फिर आपको जिस इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लें जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे कि जो डॉट है वो फ़ोन के ऊपर आ जाए। फिर आप लेयर्स में जाकर टेक्स्ट में जाकर आपको जो भी लिखना है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मोबाइल, फिर लिखकर आपको ओके क्लिक कर देना है। फिर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लोगे, उसके साइज बड़ा करके इसे एडजस्ट कर लोगे। फिर फ्रंट में जाकर आपको जो भी फ्रंट पसंद हो वो डाल सकते हो। फिर आपको टेक्स्ट को एनिमेशन देना होगा, तो इन एनिमेशन में जाकर यहाँ पर सबसे नीचे आ जाए, सबसे नीचे आपको यहाँ पर दिखेगा लेटर बाय लेटर, वहाँ पर क्लिक करके या फिर आप वाइप राइट भी कर सकते हो। तो मैं ही सिंपली लेटर बाय लेटर चूज कर लेता हूँ, और फिर आउट एनिमेशन में आप फेड वाला एनिमेशन दे दीजिए। तो अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है, तो अगर आप अपनी वीडियो पर ये यूज करते हो तो काफ़ी कमाल का आपको मिलेगा, देख सकते हो आप। तो हमारा टिप्स नंबर 2 है टाइपिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करना है, आपके पास नहीं है तो लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। फिर अपना काइंड मास्टर ओपन करना है, फिर बैकग्राउंड में जाकर आप कोई भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हो। फिर लेयर्स में जाकर टेक्स्ट पे जाए, और अब आप कुछ भी टाइप कर सकते हो यहाँ पर, फिर ओके कर लीजिए। फिर आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, और राइट पे क्लिक करिए, फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और अब आपको ठीक से लिखना है जो भी आप लिखना चाहते हो। तो मैं सही से लिख रहा हूँ सब्सक्राइब टू इंटरेस्टिंग प्लस, आपको ठीक से लिख लेना है, और याद रहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आपको ऑन ही रखना है। फिर आप सही से लिख लो, फिर आप ओके करके आप अब अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हो। फिर न्यू प्रोजेक्ट बनाकर आपने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया है उसे आपने काइंड मास्टर पर ऐड कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्लिक करिए पेन एंड जूम पर, और आपको अपने अकॉर्डिंग साइज को बड़ा कर लेना है। तो अब आप जहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हो वहाँ से आपको जो आगे वाला पार्ट है उसको ट्रिम कर लेना है स्केचिंग की मदद से। फिर आपको जाना है स्पीड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर आप 1.5% कर दोगे स्पीड को। तो अब इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, तो वीडियो कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। तो आपको फिर से काइंड मास्टर पर न्यू प्रोजेक्ट ऐड करना है, फिर आपको कुछ इस तरह से टाइपिंग वाला वीडियो ऐड करना है। तो अभी आपने जो वीडियो एक्सपोर्ट किया उसे लेयर्स में जाकर ऐड कर दीजिए, फिर आप वीडियो के क्रॉप में जाए और इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लीजिए, कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं आना चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट ही दिखने चाहिए। फिर आपको जाना है ब्लेंडिंग पर, ब्लेंडिंग में जाकर आपको यहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन है वहाँ पर स्क्रीन वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको जाना है एडजस्टमेंट पर, और यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्ट है उसे इस तरह से थोड़ा बढ़ा लेना है। तो अब आपकी वीडियो पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। सो गाइस, वीडियो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रही है। तो हमारा टिप्स नंबर 3 है गाइस 3D प्रेजेंटेशन। तो टिप्स नंबर 3 को यूज़ करके आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को एकदम प्रोफेशनल बना सकते हो। तो उसके लिए आपको इस तरह से कोई भी कलर फ्लूइड वाला वीडियो चाहिए होगा जिसे आप आसानी से बैकग्राउंड में यूज़ कर सको। अब उस वीडियो को काइंड मास्टर पर ऐड कर लेना है, लेयर्स में जाकर इफेक्ट में जाए, और सबसे नीचे यहाँ पर सबसे नीचे जाना है, यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पर आपको ब्लर वाला इफेक्ट डाल देना है।
फिर आपको सेटिंग में जाकर उसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ा लेनी है। तो फिर आपको लेयर्स में स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला वीडियो ऐड कर लेना है। फिर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे इस तरह से कट कर लेना है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को 3 डॉट पर क्लिक करके इस तरह से डुप्लीकेट कर लेना है। तो इससे आपके पास 2 स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो आ जाएगी। फिर दोनों में से एक लेयर चूज करके उस पर जाना है, एडजस्टमेंट पर जाकर उसे जो ब्राइटनेस एकदम कम कर लीजिए, जिससे वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। फिर आपको इस तरह से कुछ नीचे लेके आना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैकवर्ड कर लीजिए, जिससे ब्लैक कलर की लेयर पीछे चली जाएगी। फिर दूसरी लेयर में जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो है उसे 3 डॉट पर क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट कर दीजिए। उससे आपकी जो पीछे जो वीडियो है ब्लैक कलर की, उस पर ब्लर इफेक्ट लग जाएगा और अपनी जो वीडियो है सामने वाली वो क्लियर रहेगी। अब आपकी वीडियो रेडी हो चुकी है। तो गाइस आप देख सकते हो एकदम ही 3D लुक देखने को मिल रहा है। तो आप इस तरह से कोई भी आप आसानी से स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले वीडियो को इस तरह से प्रोफेशनल बना सकोगे। तो आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो इसका मतलब है आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो आपको पसंद आ रही है तो जरूर से लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो ऐसी और भी काइंड मास्टर एडिटिंग ट्रिक्स जानना चाहते हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।